एक बार फिर से मेरा चैनल पर आप लोग को स्वागत है। आज एक नया रेसिपी लेके आए हैं। देखिए आज हम कच्चा आलू से जान रहे हैं नाश्ता बनाने। अब 10 मिनट टाइम 15 मिनट बचा है तो देखिए इसके में जल्दी से ऑफिस जाने का टाइम है, हम नाश्ता बना रहे हैं। हमको पास तो छोटा छोटा आलू था तो हम 4 ले लिए हैं, इसका छिलका उतार के ले लिए हैं। आप लोग के पास बड़ा आलू होगा तो 2 लीजिएगा। देखिए इस तरह हम आलू को काट लेते हैं, इस तरह चिप्स के तरह हम पतला पतला काट लेते हैं। देखिए ज्यादा मोटा नहीं काटना है, इस तरह काट लेते हैं। इसी तरह हम सारा आलू को काट लेंगे। देखिए इस तरह हम सारा आलू काट लिए। अब इस तरह हम इसे धो के निकाल लेते हैं। देखिए ये अभी कट गया, अब इसे हम इस पर निकाल लेते हैं। इसका जा रहे हैं नाश्ता बनाने। अब इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। देखिए चूल्हा हम सुलगा दिए हैं, इस पर हम तवा एकदम कम आंच करके हम रख दिए हैं। इस पर थोड़ा सा 1 चम्मच हम इसमें तेल डाल देते हैं, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तेल में ही बनाएंगे। देखिए 1 चम्मच हम इसमें तेल डाल दिए हैं। इस तरह हम इसको पूरा इसमें फैला लेते हैं तेल को, इस तरह। देखिए इस तरह हम सारा को बढ़िया से फैला दिए। आलू को इस तरह हम देखिए इधर के जगह छोड़ के हम इधर डाल रहे हैं। इस तरह हम इसको डाल देते हैं पूरा चिप्स को, आलू को इसी तरह हम पूरा को सरिया देते हैं। देखिए इस तरह इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तब तक इसे हम एकदम धीमी आंच में करके इसे हम ढक के छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए इस तरह हम 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दिए। एक कटोरी बेसन लिए हैं, इसमें आधा कटोरी ये चावल का आटा लिए हैं, इसको भी डाल लेते हैं। सबको मिला के इसको घोल तैयार करेंगे। एक तो हरा मिर्चा काट के लिए हैं, तीखा तो आप लोग जैसा खाइएगा डालिएगा अपने अनुसार से। हम तो लोग तो कम खाते हैं तो इसलिए कम डालते हैं। इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल देते हैं। इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा जीरा का पाउडर डाल देते हैं, एक गरम मसाला डाल देते हैं, धनिया पाउडर हुआ, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। देखिए ये लाल मिर्च का पाउडर डाल दिए और सबको मिला लेते हैं पहले इस तरह। देखिए इस तरह मिला लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम घोल बनाते हैं। ना घोल पतला बनेगा। देखिए इससे हम थोड़ा घोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसमें हम 1 गिलास पानी लग गया इसको में। देखिए इस तरह होना चाहिए कि उसमें डालने पर अपने से फैल जाए इसको। देखिए इस तरह हम बना लिए हैं, जितना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। देखिए इस तरह हम उसमें डालेंगे तो फैल जाएगा। अब इसे हम देखिए उभार के हम इसे देखते हैं। देखिए अभी कितना बढ़िया हो गया। इस पर देखिए हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल रहे हैं, इसका से थोड़ा सा टेस्ट बढ़िया बन जाता है इसलिए। अब हम इसको घोल के इस पर डाल देते हैं। देखिए धीरे धीरे हम डालेंगे जैसे ये फैल जाए अपने से। आप हम ढक के छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, तब फिर हम इसे देखेंगे। देखिए कितना बढ़िया तैयार हो गया, इसे अभी पक गया है। अब इसे हम उलट के देखते हैं। इस पर थोड़ा सा हम तेल डाल देते हैं हल्का, इस तरह से हम इसे देखिए इस तरह से हम इस पर तेल डाल दिए।
अब इसे हम पलट लेते हैं। इसी प्लेट को लगा के हम देखिए इस तरह हम कितना बढ़िया ये बन के तैयार हो गया। देखिए अब इसी तरह हम इसमें फिर से तांसा कर देते हैं, ये पट्टी फिर से जाएगा। और उसी तरह हम इसको ढक के छोड़ देते हैं 5 मिनट। तो ये 5 मिनट के बाद फिर हम दिखाएंगे। देखिए अब ये 5 मिनट हो गया है, हम इसे अब उभार के देख रहे हैं। देखिए इस तरह हो गया है, अब ये पूरा हिल रहा है बढ़िया से। देखिए ये कितना बढ़िया चौड़ा हो गया है। अब इसे हम पलट लेते हैं इसमें, इसी में प्लेट में इसे लगा के। देखिए इस तरह हम गैस को बंद कर देते हैं। इस तरह हम इसको पलट के दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये कितना बढ़िया बिल्कुल तैयार हो गया। अब नाश्ता झटपट तैयार हो गया, कम खर्चा में कम टाइम में। देखिए इस पर थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं, इस पर थोड़ा चाट मसाला डाल के कुछ भी डाल के खा लीजिए, चटनी में खा लीजिए, जैसा पसंद है उस तरह खाइए। अभी से जल्दी ऑफिस जाने के टाइम है, नाश्ता झट से तैयार हो गया। देखिए हम इस पर चाट मसाला डाल देते हैं। अब आप लोग को मेरा वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। इसी तरह हम सारा को काट लेंगे, पीस पीस बना लेते हैं। देखिए अब इस तरह आप चटनी में खाइए, नाश्ता चाय में कीजिए, जैसे कीजिए उस तरह ये बिल्कुल एकदम इतना बढ़िया बन गया। अब मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोग को, एक बार मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल पर मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।